नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूँ आपके साथ वंदना शर्मा। लॉकडाउन 4 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। लॉकडाउन देश भर में 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 4 में बहुत सारी चीजें लॉकडाउन 3 जैसी ही होंगी, लेकिन इस बार राज्यों को ज्यादा अधिकार दिया गया है। चलिए जानते हैं देश भर में किन गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। पहले की तरह हवाई उड़ानें बंद रहेंगी, मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी। पहले की तरह स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, हालांकि स्कूल ऑनलाइन लर्निंग जारी रख सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, लेकिन खाने की घर पर डिलीवरी हो सकती है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा। धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। पहले की तरह राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। पहले की तरह धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पाबंदी जारी रहेगी। अब जानते हैं कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी किन गतिविधियों को प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाएगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक जगह से दूसरी जगह आपसी सहमति से बसें जा पाएंगे। व्हीकल्स और बसों का राज्य के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट हो सकता है। यात्री राज्य और यूनियन टेरिटरी की ओर से डिसाइड किए जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रेड और ऑरेंज जोन के अंदर कंटेनमेंट और बफर जोन बनाए जाएंगे। ये जोन जिलाधिकारी तय कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में जरूरी सुविधाएं जारी रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी लोगों का आना जाना बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और घर घर सर्वेलेंस जैसी तरीकों से निगरानी रखी जाएगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर अपडेट को जान सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट कर्फ्यू की। जी हाँ, रात के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के मूवमेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर पर रहेंगे। बिना किसी जरूरी काम या स्वास्थ्य संबंधी काम के बाहर निकलने पर पाबंदी है। आपको बता दें कि बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी, सिवाय उनके जिन पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। स्थिति के मुताबिक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अलग अलग जोन में कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। वहीं सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप, जो कि जल्द ही इन्फेक्शन पहचानने में मदद करती है, उसे सभी को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने को कहा है। सरकार ने कुछ मामलों में व्यक्तियों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत सभी राज्य किसी भी प्रतिबंध के बिना मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ, स्वच्छता कर्मियों और एम्बुलेंस के इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट की अनुमति देंगे। सरकार ने कहा कि सभी राज्य और जिला मजिस्ट्रेट इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे। इन उपायों को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट संबंधित स्थानीय न्यायालयों में कार्यकारी कमांडो के रूप में कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को तैनात करेंगे। प्रतिबंधित गतिविधि होने पर इंसिडेंट कमांडर जिम्मेदार होंगे। वहीं रिटेल और व्यापार संघों ने कहा कि वे दुकानें और बाजार खोलने से पहले राज्य सरकारों के आवश्यक निर्देशों का इंतजार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों में दुकानों को खोलने की अनुमति दी, लेकिन राज्य सरकारों को इसका निर्णय लेना होगा कि क्या खुलेगा और किस तरीके से होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को अब संबंधित राज्यों की ओर से जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को लोगों और सामान की आवाजाही के लिए ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और लॉजिस्टिक कंपनियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना होगा। वहीं कुमार राजगोपाला ने भी बताया कि राज्य के आदेशों का इंतजार करने की जरूरत है। रविवार की गाइडलाइन से साफ है कि इस बार सबकी नजर राज्य सरकारों की तरफ है। राज्य सरकार ही इस बार तय करेगी कि क्या खुला रहेगा और क्या बंद। इस खबर पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम जल्द लौटेंगे एक नई खबर के साथ। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।